गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह चाय के साथ गुड मॉर्निंग हो गई है। मैंने भी बच्चों के लिए अभी बादाम छील के दे दे रही हूँ। ये लोग आधा खाएंगे, आधा खेलेंगे, मस्ती करेंगे। और देखिए आद्यांत की पेंटिंग हो रही है, अपनी कैसी दशा बनाई है इन्होंने। और यही है, लेज़ी लेज़ी सैटरडे है तो आज मेरा मूड है थोड़ा किचन में काम करने का। एक्स्ट्रा जो काम होते तो मैंने झटपट ढेर सारी वेजिटेबल डाल के चाउमीन बनाया है। कैसा है दूध? कैसा है? ये कैमल भी खाएगा क्या? तो मैं बस फिर किचन में आ गई हूँ। एक्स्ट्रा जो काम होते हैं महीने दो महीने में, ये सब मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ, क्योंकि 3 डेज का हॉलीडेज था और ऐसे ही घूमने फिरने में निकल जा रहा है। तो मैं आज स्ट्रिक्टली सोच रही हूँ कि जो मेरे काम है उसको मैं पूरा करूँ। और क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं और सारे स्पाइसेस, ऑयल है, घी है, जो भी है, तो वो सब जब कंप्लीट घर में जगह पे रहता है और पूरा सामान ठीक से रखा रहता है तो चीज़ें कुक करने में, सब कुछ करने में किचन में आसानी होती। तो वही मैं मसाले का प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने मसाला देखी अभी बना लिया है ये, और मैं भर के रख दूँगी। जब भी मेरा मसाला ख़त्म होता है तो बस एक दो बार भी अगर मार्केट से लाना पड़े तो वो स्वाद ही ख़त्म हो जाता है मेरी सब्जियों का, दाल का। तो एकदम मसाला बनाना मेरे लिए घर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए मैं सब कुछ फिल करके रख दी हूँ, अब आराम से महीने दो महीने का आराम हो जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट जो है वो भी मैं देख रही हूँ कैसे करना है। फेस्टिवल्स हैं तो कुछ लड्डू बनाने हैं। हस्बैंड ने साइड बाय साइड थोड़ा सा दाल चावल बनाया है। आज थोड़ा ज़्यादा कुक करने का मेरा मूड नहीं है। मैं घी का डब्बा भी खाली हो गया तो घी बनाऊंगी अभी। तो घी की रेसिपी मैंने पहले भी दिखाई थी तो आज भी दिखा दे रही हूँ ऐसे शॉर्ट में, कि ये घी बहुत अच्छे से बन जाता है। और आप देखिए ये क्यूब्स लाके, ये अनसॉल्टेड जो बटर होता है उससे मैं घी बहुत अच्छा घर में बना लेती हूँ। और यही वाला घी सबको पसंद है तो हम लोग मार्केट से घी नहीं लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे ये तो आप ट्राई कर सकते हो ऐसे घी बनाना। ये देखिए बस यही होता है कि खड़े होके आपको 15-20 मिनट टाइम लगता है, धीरे धीरे, बहुत तेज़ आंच पे इसको बना नहीं सकते हैं। तो बन जाता है घी और बहुत ही टेस्टी घी बनता है। तो मेरा यही आज तेल, घी का जो भी है सब कुछ मसाले, तो मैं इसको निपटा लेती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट, आगे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो दिवाली की भी तैयारी करनी होगी। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा बॉक्सेस जो हैं सब कुछ है तो उसको क्लीन भी कर रही हूँ और डिस्कार्ड भी कर रही हूँ जो करना है। तो धीरे धीरे, क्योंकि करना तो खुद से ही रहता है, तो आराम आराम से करो तो वो एक साथ बर्डन नहीं आता कि पूरे घर की सफाई एक साथ करनी है। तो देखिए मैंने घी का गैस बंद कर दिया है, थोड़ा सा वाइट है तभी, क्योंकि ये आराम से अपने ही गरम जो है हीट से उतने में ही हो जाता है। देखिए ये कंप्लीट घी बन गया है, कितना अच्छा घी बना है, एकदम शाइन कर रहा है ये। इसका ये जो अलग से ये निकला है इसको हम लोग गुड़ में डाल के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मेरा कितना काम हो गया आज, बड़ा मसाले बन गए, घी बन गया। ये देखिए कितना चमकदार घी बन के एकदम तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी घी बनता है। और इसमें जो नीचे है उसको हम लोग गुड़ से खाते हैं, गुड़ में डाल के। और ये अचार मैं लाई थी इस बार मार्केट से, इसमें इतना ऑयल था, अचार तो अच्छा था, मिक्स अचार है, लेकिन इसमें इतना ऑयल था कि इसको मैंने ड्रेन किया पूरा ऑयल, और फिर उसको अपने जार में अलग से निकाल के रखा। तो वो खाने में अच्छा है तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। वैसे ज़्यादा मार्केट से हम लोग अचार लाते नहीं हैं, इस बार लाए क्योंकि अभी इंडिया के जो भी स्टॉक थे सब ख़त्म हो चुके हैं, लोगों को इंडिया जाना आना हो नहीं रहा है इसलिए।
और यहाँ पे मैं ऑयल भी सारा डिस्पेंसर में छोटे वाले जार में भर के ऑयल डिस्पेंसर में रख दे रही हूँ, तो क्योंकि यूज़ करने में आसानी होती है, थोड़ा थोड़ा इससे आप डाल सकते हैं। तो यही सब काम आज मेरा हो रहा है एक्स्ट्रा, ये सब काम एक्स्ट्रा होते हैं, कभी महीने में एक बार तो पूरा आराम से करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर उसी में शॉपिंग करते रहो, हौज पौच मजा रहता है। और एक्स्ट्रा सामान भी काफ़ी डिस्कार्ड कर रही हूँ मैं, जो भी फालतू किचन में पड़ा हुआ है। तो ये धीरे धीरे मेरा दिवाली का भी शुरू हो गया है तैयारी, क्लीनिंग का सब कुछ मैं आपसे शेयर करती रहूँगी टाइम बाय टाइम। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के, थोड़ा सा रेडी हो रही थी मैं, ट्राई कर रही थी थोड़ा सा मेकअप करने का, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं करते हैं घर में बैठ के कोई, तो मैं ट्राई कर रही थी। मैंने देखिए आईब्रो फिल किया है और कैसा हुआ है, ज़्यादा डार्क हो गया है लग रहा है, तो मैं वही करवा चौथ की तैयारियाँ कर रही थी। और मैं आपको अपनी साड़ी दिखाना चाहती थी, ये देखिए मेरी साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और ये मेरे पापा ने मुझे दिलाई थी, ये लास्ट ईयर दिलाई थी। तो अभी इस साल तो मैंने बताया था कि मैं साड़ी नहीं ले पाई, और दुबई में इतनी पसंद की साड़ियाँ मिलती भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं, और कुछ नया पहनना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने कुर्ती ली है। कुर्ती ये देखिए, तो ये है, तो ये कुछ नया हो गया, और वो साड़ी मैंने एक दो बार पहनी है तो चलता है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पापा ने ये साड़ी मुझे दिलाई थी। ये देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी है, इसमें ये देखिए ये टेसल्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है ये। तो फिर उस टाइम तैयार होंगे तो मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कैसा लगता है, बहुत प्यारी साड़ी है, पापा ने अपने से पसंद करके लिया है, तो ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये देखिए बहुत प्यारी साड़ी है, कलर इसका बहुत ही सुंदर है, फ्लोरल फ्लोरल एकदम, बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो ये है, मैं इस बार यही करवा चौथ पे पहनूंगी, और मुझे लग रहा है कि मैं दिन में या पूजा के टाइम थोड़ी साड़ी में परेशानी होगी तो मैं ये इसको भी पहन सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने न्यू लिया है, ये भी बहुत अच्छा है, टॉप है ये, ऐसा है, ये ऐसा वाला होता है ना लेगिंग्स के साथ, आप किसी भी जीन्स के साथ भी पहन सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर सूट दुपट्टे वाला मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको पहले से प्रिपेयर करो, सिलवाओ, कहाँ से कपड़ा लेना है, ये सब थोड़ा सा चक्कर हो जाता है, तो इतना नहीं जा पाते हम लोग, एक्चुअली हम लोग बर दुबई में नहीं रहते हैं तो कर नहीं पाते उतना। तो यही है, मुझे बहुत पसंद आया ये टॉप, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ इसको, जैसे एज ए न्यू एक कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। और ये देखिए ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ हैं, और ये भी मेरे मम्मी ने मुझे दिलाई थी, ये चूड़ी लास्ट ईयर ही दिलाई थी, तो ये फैंसी चूड़ियाँ हैं, तो ये तो कभी भी कभी ही पहन सकते हैं। ये देखिए ये इसके अंदर के हैं, बहुत ही सुंदर चूड़ियां हैं, तो ये है। और इसके साथ मैंने ये पहनने के लिए, ये कुर्ते के साथ ये मैंने बालियां ली हैं, छोटी छोटी, छोटी छोटी तो नहीं है, काफी बड़ी हैं, मैं छोटी क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, तो ऐसा है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पे ज्वेलरीज का भी देखना पड़ता है, H&M और ये सब में जो मिलती हैं ज्वेलरीज ये स्प्लैश में, तो ये देखिए ये भी मैंने H&M से लिया है, तो ये इंडो वेस्टर्न टाइप के हो जाते हैं, कुर्ते के साथ भी जाते हैं और टॉप्स के साथ भी जाते हैं। तो ये देखिए ये कैसा लग रहा है,
मुझे अच्छा लगा, मैंने यही सब लिया है। और मेरे सब पास पहले से झुमकियाँ भी हैं, तो मैं साड़ी के साथ ये पहन लूँगी, ये देखिए ऐसा, ये झुमकी है। तो मेरी चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, ये मैं किसी भी साड़ी, क्योंकि रेड कलर है ना, तो किसी भी साड़ी के साथ चल जाता है। और ये है एक मेरा सेट, ये देखिए, तो ये सेट है, ये मैं पहन लूँगी। और इसके साथ ये देखिए, ये मैचिंग का, इसको क्या बोलते हैं, टीका। मैंने आईब्रो फिल कर लिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग बताना मैंने काफ़ी डार्क फिल किया है क्या, मुझे आता नहीं इतना ऐसा मेकअप करना, तो मैंने ट्राई कर रही थी। क्योंकि उस दिन करवा चौथ के दिन क्या होता है कि अचानक से अगर तैयार होना हो तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आज थोड़ा सा रेस्ट डे था, हस्बैंड घर पे हैं तो बच्चों को देख रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग का वो सब मैंने जो शेयर किया आपसे वो एक्स्ट्रा काम किया, और हस्बैंड ने आज कुकिंग का थोड़ा देख लिया, और सिंपल खाना आज दाल चावल ही था, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं अपना प्रिपरेशन जो है कर लेती हूँ, क्योंकि आज प्लान ऐसा घर पे रहने का ही था, और दिवाली भी आ रही है तो थोड़ी साफ सफाई भी चालू हो गई है, तो ये सब हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपनी तैयारी कर लेती हूँ। और नहीं तो पता चला उस टाइम, उस दिन ना व्रत जब रहना होता है ना, तो उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये कान का देखिए, मैंने दिखाया कि नहीं, ये कान का है इसका टीका, और ये ऐसा है, ये हार है, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है, तो यहाँ पे इतना फैंसी कुछ होता नहीं, यहाँ पे कौन सा शादी ब्याह में जाना है तो ऐसा पहनने को नहीं होता है, तो रखा रहता है, तो कभी कभी पहन लेते हैं इस साड़ी के साथ। ये साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी है, मुझे मेरे बहुत दिल के करीब है। थैंक यू पापा फॉर दिस साड़ी। और ये फिर कुछ मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है, वो उस दिन मैं जब गई थी दिवाली की शॉपिंग, वो कुर्ते की शॉपिंग के लिए ना, तो मैंने ये सब भी लिया था वहीं बर दुबई से। ये देखिए करवा चौथ का ये ऐसे सेट आया है, इसको मैंने अभी खोला नहीं है, रैपर में ऐसे पैक ही है, तो ये ऐसा है, ये करवा चौथ हम लोगों के यहाँ तो मेन जो मायके से आता है वो पीतल का है, तो इसके बाद ये एक हर साल ये भी लेना पड़ता है मिट्टी वाला, और ये चढ़ाने के लिए पूरा सुहाग की सामग्री, ये देखिए ऐसा पैक करके मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये होता है कि हम लोगों को बर दुबई जाना पड़ता है, तो ये सब मैंने लिया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा शॉपिंग हो गई है मेरी। ये देखिए ये नेल पेंट, ये सब, और यही हाल है। और शॉपिंग काफ़ी कर ली थी मैंने, वहाँ पहुँचते हैं तो ये होता है कि भैया ले लो, नहीं पूजा पाठ के टाइम पे पता नहीं छुट्टी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि दिवाली की भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली गई थी उस दिन। ये देखिए ये पता नहीं उल्टा दिख रहा है, ओम गणेशाय नमः लिखा हुआ है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये उल्टा ही आ रहा है लिखा हुआ, तो ये मैंने चुन्नी ली है चढ़ाने के लिए। ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें फिर एक साथ याद करके ले लेनी पड़ती है, सारा नाम उल्टा आ रहा है, जय श्री राम लिखा हुआ है। तो यही सब तैयारियां हैं मेरी, ये बाती ले ली मैंने, अगरबत्ती ले ली, तो सारा फेस्टिवल का जो तैयारी है वो मैंने एक्स्ट्रा दिवाली के हिसाब से, करवा चौथ के हिसाब से, ये देखो कपूर है तो मैंने किया हुआ है, तो यही है। और जो बाकी रहेगा अभी होता रहेगा, तैयारियां तो होती, अभी तो 3 4 दिन बाकी है, नहीं आज सैटरडे है ना, तो हाँ 4th को है, तो काफ़ी टाइम है अभी, तो हो जाएगा। तो ब्लाउज तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं आपको, मैं ब्लाउज भी दिखाती हूँ अपना,
ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लाउज है इसका, एकदम प्लेन येलो कलर का। ये स्लीव्स हैं और ये बहुत सुंदर ब्लाउज है। ये मुझे साड़ी बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगा, चलिए करवा चौथ पे पहनने को मिलेगा। मैंने ऐसे ही किसी रैंडम दिन पहन लिया था इसको, तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर दो चार ज़्यादा मिल जाएंगी। पापा की तरफ से साड़ी है मुझे, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। बिंदी दिखाना तो मैं भूल ही गई, ये देखिए मेरी प्यारी सी मेहंदी भी आ गई है और इसको हम लोग लगाएंगे इस पे, और देखिए कौन इस बार लगाता है। नहीं तो मैं तो, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये वाली, जो ये ऐसे राउंड करके होता है ना, ये बहुत ही पसंद है, किसी भी डिज़ाइन से ज़्यादा मुझे पसंद है, तो वैसे ही लगाऊंगी। तो ये कोन भी है मेहंदी का, जो लगने के बाद ही फील आता है कि हाँ फेस्टिवल्स आ गए हैं, कोई त्यौहार है, करवा चौथ पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तैयारियाँ खूब सारी मुझे दिखाई दे रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं, तो फिर देखते हैं क्या क्या तैयारी होती है। और बाकी पूजा का सामान तो रेगुलर जो डेली यूज़ के लिए चाहिए होता है वो सब तो आता ही रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा है, तैयारियां शुरू हो गई, फेस्टिवल्स आ गए हैं, तो इस मौसम में फिर ये जो इतना सारा सैडनेस चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, इसकी वजह से अभी अच्छा लग रहा है कि फेस्टिवल्स आ गए हैं। और देखते हैं, बाहर काफ़ी हल्ला सुनाई दे रहा है मुझे, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, तो देखते हैं कि भैया क्या हो रहा है। ये देखो महाराज आ भी गए हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा देखना है, कुछ स्नैक्स देना पड़ेगा, और चाय का टाइम भी हो गया है। पापा थोड़ा सा ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सीज़र नहीं लेते, रुको, यही है। फिर देखते हैं कहीं चलते हैं, मौसम इतना अच्छा हो गया कि बस शाम हो गई है और सब लोग घर में हैं, तो लगता है कहीं पे चलो भाई घूम लो एक जगह। इतना अच्छा सनसेट होता है और इतना अच्छा वेदर, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बस कहीं निकलते हैं अगर, तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं, साथ में लेके चलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, यहीं पे साथ में लेके चलेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, चाय वाय पी लेते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, हम लोग कहाँ आ गए हैं, शाम को एकदम सनसेट हुआ। अभी मैंने वीडियो नहीं ले पाई मैं, एकदम जस्ट हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, तो अभी देखिए जस्ट 5 मिनट पहले सनसेट हुआ है, लाइट वाइट सब जल गई है, और इतना सुंदर पार्क है ये, बुर्ज अल अरब के पास एकदम है। और ये कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे पीपल के और नीम के पेड़ हैं, और ये पेड़ भी देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब लगता है ये अपने कंट्री का पेड़ है, अपना पेड़ है, पता नहीं क्यों, नीम का पेड़, पीपल का पेड़। तो ऐसा ही रहा, देखिए 3 दिन की छुट्टियाँ, हॉलीडेज कितने जल्दी निकल गए पता ही नहीं चला। आज लास्ट डे है, सुबह सबका ऑफिस स्कूल सब स्टार्ट हो जाएगा, और 3 डेज हॉलीडेज यहाँ पे होते हैं, तो सब खूब एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे 3 3 डेज हॉलीडेज हैं, घूमो फिरो, अब वेदर अच्छा है तो बस पूछिए ही मत। तो बस निकल गया सारा 3 डेज, अभी सुबह स्कूल है, तो बस जाके घर पे डिनर तो हो ही गया है, और जिसको थोड़ा सा अपना कुछ काढ़ा पीना है, मिल्क पीना है, हल्दी दूध सब यही सब होगा, उसके बाद फिर सो जाएंगे हम लोग। ऐसा ही रहा मेरा दिन, फेस्टिवल की तैयारियां हैं, धीरे धीरे थोड़ा आराम आराम से हो भी रहा है, तो यही चल रहा है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।